एक प्यारा सा मंदिर है, अभी अभी दिखाता हूँ, बहुत अच्छा महादेव। ये मंदिर स्टैम्प है राजस्थान कोटा से। यहाँ पे क्यूट क्यूट से बंदर है, मेरा फोन ना ले जाए। वोटिंग की में जाने की हो रही है तैयारी, ये देखिए भैया ने कर दिया यहाँ पे वोटिंग तैयार। ये देखिए डर तो पकड़ के रखना, ये देख। और ये सामने महल आ गए, भूरी कलर का खरगोश, खूबसूरत नजारा फुवारे के साथ। रात के 3 बजे हम पे लग रही है मिठाई। चलो दोपहर का टाइम है, अब हम जा रहे हैं मंदिर में हैं। और यहाँ पे जितने भी ये स्टॉल लगे हैं, यहाँ कहीं भी मोमोज वाला है ही नहीं। मैं हूँ इस टाइम राजस्थान में, तो मैं निकला हूँ यहाँ पे मोमोज की खोज में, और मुझे यहाँ पे कोई भी दुकान मोमोज की नहीं मिल रही है। चारों तरफ टिक्की, पोहा, कचौड़ी, दाल की कचौड़ी, कड़ी के साथ कचौड़ी, तो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है कोई भी। और ये सामने एक प्यारा सा मंदिर दिख रहा है, देख रहे हैं आप, सामने एक प्यारा सा मंदिर है, अभी अभी दिखाता हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। मेरे सामने एक प्यारा सा मंदिर है, अभी इसको देखते हैं, खुला होगा तो। महादेव मंदिर, सामने बजरंग बली की प्रतिमा भी है, और ये महागौरा। ये मंदिर स्टैम्प है राजस्थान कोटा शहर में, रोड के बगल में ही है ये, यहाँ पे पीछे रोड है और यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। काफी खुला और अच्छा मंदिर है। दर्शन मैंने कर लिए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। मैं हूँ इस टाइम राजस्थान में, तो ये मंदिर बहुत अच्छा प्यारा बना हुआ है, यहाँ पे रोड के किनारे बना हुआ है, अब यहाँ से निकलते हैं। शाम का टाइम हो गया है, हाँ, और हमारे पीछे क्या है, अरे ये नहीं, ये यहाँ पे क्यूट क्यूट से बंदर है, मेरा फोन ना ले जाए, इनसे बच के रहना पड़ेगा। छोटे छोटे यहाँ पे स्कूटी खड़ी कर रखी है लोगों ने, स्कूटी बाइक, और सामने है आगे वाले से गेट का रास्ता। यहाँ पे होटल लोगों का फोटो शूट, और यहाँ पे सब आए हैं लोग एंजॉय करने। देखिए सामने लोग जा रहे हैं वोटिंग करने, और लाइटें जल चुकी हैं। वोटिंग की में जाने की हो रही है तैयारी, ये देखिए कपड़े वपड़े पहन रहे हैं, तो अभी हम भी निकलते हैं। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, भैया ने कर दिया यहाँ पे वोटिंग तैयार, ये देखिए इनको डर लग रहा है, ये देखो इसको लग रहा है यहाँ पे डर, तो पकड़ के रखना, ये देखिए पकड़ गया है पर डर लग रहा है, डर हाथ पैर तो नहीं कांपने।
सामने महल आ गया है। ओ यहाँ पे हैं लोग, अपना अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, सब तैयार बैठे हैं। हम आ चुके हैं पुराने से महल में, जहाँ हमें दिखे हैं क्यूट क्यूट से खरगोश, और वो भी बहुत सारे, जो ये यहाँ पे खा रहे हैं। किसी का बर्थडे केक बनाया होगा किसी ने, तो ये बर्थडे केक खा रहे हैं। भूरी कलर का खरगोश। और यहाँ पे आ चुका है सेल्फी पॉइंट, और ये पकड़म पकड़ाई खेलने लग गए हैं बच्चे उनके साथ। ये देखो पकड़ में नहीं आ रहा, बहुत तेज है वो, और बहुत सारे कबूतर भी हैं यहाँ पे। कबूतर ने यहाँ पे अपना घोंसला भी बना रखा है। इसने पकड़ लिया है एक खरगोश के बच्चे को, ये देखिए, आंटी को डरा दिया उन्होंने, बहुत खतरनाक तरीके से डरा दिया है। आंटी के साथ मजाक कर रही है, आंटी डर चुकी है। पकड़ लो। शाम का टाइम हो चुका है, थोड़ी देर में रात होने वाली है, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। हमारी बोट आने वाली है, सामने आ गई हमारी बोट। सब यहाँ से निकलने की हो रही है तैयारी, सब लोग बैठ चुके हैं, हमारे भैया तैयार हैं। ओह यार इसको डर लग रहा है, इसको जगह तो कैसे मुंह बना रही है। देखिए शाम का नज़ारा, चारों तरफ रोशनी। ओ सामने महल पानी के बीचों बीच बना हुआ। सामने खूबसूरत नज़ारा फुवारे के साथ, और हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम उतर जाएंगे। तो फाइनली हमारी राइड पूरी हो चुकी है, हम आ चुके हैं बाहर, और शाम का टाइम हो चुका है और रात होने वाली है। तो ये देखिए अभी हम बाहर सन्नाटे गलियों में घूम रहे हैं, और सामने लोग खेल रहे हैं रैकेट। अभी वह है राजस्थान में, लोग कर रहे हैं इंजॉय, सेल्फी वेल्फी लेके, और रैकेट का भी इंजॉय किया जा रहा है। देखिए खाने पीने का स्टॉल भी है यहाँ पे। सामने है यहाँ पे महात्मा गांधी जी की मूर्ति, नेहरू जी की। रात के 3 बजे हम पे लग रही है पिटाई, ऐसे कभी नहीं लगी होगी किसी के, हमारी लग रही है। रात के बज चुके हैं 3, और हमारी हो रही है निकलने की तैयारी। तो मैंने चश्मा उसमें पहन लिया है, तो हम निकलेंगे। अभी सब सो गए हैं, सुनसान सड़क है, हम निकलने की हो रही है तैयारी। रात के बज चुके हैं 3:02 हो चुके हैं, तो हम निकल रहे हैं गाड़ी में। चलो बैठो भाई बैठो, बाय बाय टाटा। सामान हमारा निकल रहा है, तो रात के बज रहे इस टाइम 3:14 हो चुके हैं। तो सामने ट्रेन आए हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो हमें निकलना पड़ेगा। हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन पे, और सुबह के बज चुके हैं 4:40 हो चुके हैं, हमारी ट्रेन आने वाली है। आ गई हमारी ट्रेन, अगले दिन की शुरुआत हो चुकी है। यार हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली मेट्रो में, और यार ये पीछे से खाली, मेरे पास सामान इतना सारा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।